तो दोस्तों म्यूजिक प्लेयर तो हमने बहुत यूज किए हैं, लेकिन आज जो म्यूजिक प्लेयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये काफी इंटरेस्टिंग काफी यूजफुल है। तो दोस्तों जब भी आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह एक म्यूजिक प्लेयर साइड बार से मिल जाएगा। तो मैं कैसे किया, कौन सा म्यूजिक प्लेयर मैं यूज कर रहा हूँ, चलिए जान लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए माई हिंदी ट्रिक्स चैनल को, उसके बाद इस बेल घंटी आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों इस काम के लिए आपको जो म्यूजिक प्लेयर यूज करना है उसका नाम है S9 एज म्यूजिक प्लेयर। तो ये दोस्तों सैमसंग S9 का दोस्तों म्यूजिक प्लेयर है और आप इसको अपने मोबाइल फोन पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप रेटिंग देख सकते हैं, यूजर भी आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग काफी बढ़िया है। तो सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ये म्यूजिक प्लेयर इस तरह ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये फ्री वर्जन है, ठीक है। अभी आते हैं म्यूजिक प्लेयर के बारे में, ठीक है। तो आपने देखा है कि मैं कैसे एक बटन पर क्लिक कर रहा था और साइड में से एक म्यूजिक प्लेयर निकल रहा था। तो दोस्तों वो मैंने कैसे किया था, तो इसी म्यूजिक प्लेयर की मदद से मैंने वो किया था। तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सिंपली देखिए इधर एक एनेबल बटन मिल रहा है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जब भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली दोस्तों ये साइड बार से म्यूजिक प्लेयर आपको भी मिल जाएगा। देखिए साइड बार से म्यूजिक प्लेयर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये भी मिल गया है। अभी मैं बता देता हूँ कि इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर आपको खास क्या मिल रहा है इस छोटे से चीज के अलावा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं म्यूजिक के, ठीक है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑल म्यूजिक, तो आप इधर से आप रैंडमली बहुत सारे म्यूजिक को आप आसानी से प्ले कर पाएंगे। उसके बाद एल्बम के हिसाब से भी आप म्यूजिक को सुन पाएंगे, आर्टिस्ट के हिसाब से, प्ले लिस्ट के हिसाब से। अगर आप फोल्डर के हिसाब से म्यूजिक को चूज करना चाहते तो भी कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर कौन से फोल्डर पर कौन से ऑडियो म्यूजिक फाइल अवेलेबल है वो भी आप पता लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों और एक फीचर्स इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर है, वो है कि अगर आप कोई भी गाना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसी म्यूजिक प्लेयर के मदद से आप शेयर कर सकते हैं। उसके लिए दोनों के पास सेम म्यूजिक प्लेयर होना चाहिए। तो सिंपली आपको जो करना है उसके लिए ये जो एरो आइकन दिख रहा है सर्च बटन के बगल में, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा तो आपका सामने यार सेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो हाउ ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल्स में पता लगा सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड को मैसेज यानी कि सॉन्ग सेंड करना चाहते हैं तो सेंड ऑप्शन पर जाइए तो आपको 6 डिजिट का ऑप्शन इधर मिल जाएगा। तो इस कोड को आप अपने फ्रेंड को दे दीजिए और बोलिए कि इस रिसीव बटन पर वो क्लिक करें, उसके बाद एंटर की बॉक्स पर आप वो कोड आपने जो दिया है कोड डाले, उसके बाद रिसीव बटन पर क्लिक कर दे। सेम प्रोसेस फॉलो करके आप भी अपने दोस्तों के पास से म्यूजिक को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसी म्यूजिक प्लेयर की मदद से सेंड रिसीव सॉन्ग्स को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अगर आप कोई सॉन्ग्स वगैरह सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करने के लिए आपको वॉइस सर्च भी इधर मिल रहा है इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर, जो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली ऊपर देखिए लेफ्ट साइड पर आपको 3 डॉट मिल रहा है, लाइन मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं पहले जो ऑप्शन आपको बहुत कुछ मिल रहा है सेटिंग्स, तो सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए बहुत कुछ मिलेगा, आप डिस्प्ले ट्रैक, चेंज स्क्रीन, चेंज लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। आप और भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एल्बम को आप सेट कर सकते हैं, आप आर्टिस्ट को, ऑल सॉन्ग्स को आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको और भी बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे कि अगर आप इसी म्यूजिक प्लेयर के मदद से किसी भी सॉन्ग्स को आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप इस रिंगटोन बटन पर क्लिक करके कोई भी सॉन्ग्स, जिस सॉन्ग्स को आप रिंगटोन बनाना चाहते हैं उस सॉन्ग्स को आप इस तरह चूज करने के बाद आप सिंपली उसको रिंगटोन भी बना सकते हैं। उसके बाद अपने मोबाइल फोन के अलार्म पर किसी भी जगह इस तरह आप रिंगटोन में सेव कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने एक म्यूजिक ले लिया है, तो उसके बाद दोस्तों इस तरह आप जितने दूर लेना चाहते हैं म्यूजिक को रिंगटोन बनाने के लिए, उसके बाद प्ले बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और सेव बटन पर क्लिक करके आप सेव भी कर सकते हैं। इधर आपको रिंगटोन, अलार्म, नोटिफिकेशन, म्यूजिक बहुत कुछ ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरह आप इसी म्यूजिक प्लेयर की मदद से रिंगटोन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपको कुछ मिल रहा है, जैसे कि आप अगर टाइमर सेट करके म्यूजिक सुनना चाहते हैं, मान लीजिए आपको नाइट में म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आप क्या करेंगे टाइमर ऑप्शन पर जाकर कोई भी एक टाइम सेट करके आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ये म्यूजिक प्लेयर ऑटोमेटिकली म्यूजिक बंद कर देगा। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग एक फीचर है। अगर आपको थीम चेंज करना है तो आप थीम भी चेंज कर सकते हैं इसी म्यूजिक प्लेयर के मदद से, ठीक है। और भी बहुत कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप साउंड वगैरह का दोस्तों फ्रीक्वेंसी वगैरह आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो
ये सारे के सारे फीचर्स आपको इसी म्यूजिक प्लेयर के अंदर मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये म्यूजिक प्लेयर आपको काफी हद तक अच्छा लगा है। अगर आपको ये म्यूजिक प्लेयर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटे आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियोस पर। बाय।